कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच एक्सपर्ट्स ने बर्ड फ्लू को लेकर चेतावनी दी है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि एशिया और यूरोप में बर्ड फ्लू के एक से ज्यादा वेरिएंट होने की वजह से इसके इंसानों में फैलने का अधिक खतरा है। कोविड 19 के ओमिक्रॉन स्वरूप के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हांगकांग ने बुधवार को भारत और 7 अन्य देशों से उड़ानों पर 21 जनवरी तक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। कोविड 19 के मामलों में बढ़ोतरी के कारण हांगकांग ने फिर से कई पाबंदियां लगाने की घोषणा की है। इसराइल की 9.4 मिलियन आबादी में से लगभग 4.2 मिलियन लोगों ने कोरोना वायरस वैक्सीन के 3 शॉट ले लिया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच चौथी बूस्टर शॉट को मंजूरी देने वाला इसराइल दुनिया का पहला देश है। प्रधानमंत्री की यात्रा के विरोध में किसान 3000 जगहों पर धरना दे रहे थे। एक प्यारियाना के फ्लाईओवर के नजदीक जहां प्रधानमंत्री का काफिला रोकना पड़ा, दूसरा हरीका में और तीसरा कुलगढ़ी में, जहाँ पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के कार्यकर्ता धरना दे रहे थे। किसान प्रदर्शनकारियों की योजना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री की रैली में शामिल होने से रोकने की थी। यह रैली बाद में खराब मौसम और बारिश के कारण रद्द कर दी गई। नितिन गडकरी ने प्रयागराज की जनता से अपील की है कि 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और एक बार फिर से अगर आप डबल इंजन की सरकार बना देंगे तो यूपी में सड़कों और पुलों के विकास के लिए 5000 करोड़ रुपए की विकास की योजनाएं आपको समर्पित करूंगा। उन्होंने कहा कि यूपी की सड़कों को अमेरिका की सड़कों से भी अच्छी बनाकर दूंगा। भारत में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से मौत का पहला मामला बुधवार को राजस्थान में सामने आया है, जबकि कोविड 19 के नए मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड 19 मरीजों को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि होम आइसोलेशन के तहत कोविड 19 रोगियों को संक्रमित होने के कम से कम 7 दिनों के बाद आइसोलेशन से छुट्टी दे दी जाएगी, अगर उन्हें लगातार 3 दिनों तक बुखार नहीं आता है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड 19 मरीजों को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि होम आइसोलेशन के तहत कोविड 19 रोगियों को संक्रमित होने के कम से कम 7 दिनों के बाद आइसोलेशन से दे दी जाएगी। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में अब स्वच्छता का सिक्सर लगाने की तैयारी है। शहर अब एक कदम आगे बढ़कर एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधारने की कवायद में जुट गया है। इसके लिए नई मुहिम शुरू की गई है। शहर के चौराहों पर सिग्नल ऑन इंजन ऑफ अभियान चलाकर लोगों से रेड लाइट होने पर गाड़ी का इंजन बंद करने की अपील की जा रही है। कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण के बचाव के लिए मध्य प्रदेश में नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नए नियम के मुताबिक मेलों पर रोक लगा दी जाएगी। शादी में अब 250 और शव यात्रा में सिर्फ 50 लोग शामिल हो सकेंगे। भोपाल में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक की, उसमें ये फैसला लिया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के कलेक्टरों से बात की है। उन्होंने चारों शहरों में प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर जितने कूल नजर आते हैं उतने ही बाहर भी हैं। बाइक्स के लिए उनकी दीवानगी किसी से छुपी नहीं है। वहीं धोनी को जानवरों से भी काफी लगाव है। इसका सबूत है रांची में स्थित उनका फार्म हाउस, जहां उन्होंने कई विदेशी नस्ल के डॉग्स के साथ घोड़ों को भी पाल रखा है। धोनी को जब भी मौका मिलता है वो इनके साथ वक्त बिताना नहीं भूलते हैं। अब धोनी को एक स्पेशल दोस्त भी मिल गया है जो उनके फार्म हाउस में ही रहता है। देश में आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक बहुत बड़ा बाजार बनने वाला है। बीते साल से देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड काफी बढ़ गई है। हाल ही में जारी हुई जेएमके रिसर्च एंड एनालिस्टिक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिसंबर 2021 में पहली बार देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई है। दिसंबर में 50,000 से ज्यादा नए इलेक्ट्रिक व्हीकल के रजिस्ट्रेशन किए गए, जो दिसंबर 2020 की तुलना में 240% ज्यादा है। वहीं नवंबर 2021 की तुलना में भी 21% ज्यादा बताए गए हैं। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।